राम नाम आधार जिने वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भीतर जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव ओसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शनिवार के दिन शरीर के किस हिस्से पर तेल लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप शनिवार के दिन शरीर के इस हिस्से पर तेल लगाते हैं तो आपके सारे काम बनेंगे, आपके किसी भी काम में कोई अड़चन कोई रुकावट नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, शनिवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है और शनिवार का दिन भगवान शनि देव के निमित्त होता है। तो इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं हमें बड़ा सोच समझ करके वह कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है शनि देवता न्यायप्रिय है और इस दिन हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर शनिवार के दिन आप किसी भी तरह का कोई स्वार्थ का कार्य कोई गलत कार्य करते हैं तो उसके बहुत से नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनिवार के दिन शरीर के किस हिस्से पर तेल लगाना सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। साथियों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब शनि देव को प्रणाम करते हुए आज के विषय की शुरुआत करेंगे। ओम शन्नो देविरभिष्टये आपो भवन्तु पित्तये, शन्नो योर्भिस्रवन्तुनः। ओम नीलांजनं श्रमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शरशरं। बोले शनि भगवान की जय। मेरे प्यारे साथियों, यूं तो हम अपनी सुख शांति के लिए हमारे कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो उसके लिए बहुत सारे उपाय बहुत सारी हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करते हैं, लेकिन कई बार हमारी ग्रह दशा खराब होने के कारण उन उपायों का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हम करते हैं उनका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। तो साथियों, इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते रहें और किसी भी अच्छे विद्वान से सलाह लेकर के आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है उसके लिए दान पुण्य या पूजा करवानी बेहद आवश्यक होती है। मेरे प्यारे साथियों, जन्म कुंडली में शनि ग्रह का नाम आते ही कई जातक भयभीत हो जाते हैं, उनके मन में चिंताएं सताने लगती हैं कि कहीं शनि ग्रह मुझे कोई खराब परिणाम तो नहीं दे रहे हैं या शनि ग्रह की वजह से मुझे आगे चलकर के कोई पीड़ा तो नहीं होगी। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो जातकों के मन में अक्सर घर करके रखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो कार्य मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप शनिवार के दिन यह कार्य करते हैं तो शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि ग्रह खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो इस
कार्य के करने से शनि देवता अपना शुभ आशीर्वाद देना आपको प्रारंभ करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की साढ़े साथी चल रही है और आप बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं, तो उसके लिए भी यह कार्य बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आप यह कार्य करते हैं तो शनि ग्रह से जुड़ी हुई सभी झंझटों से, सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। साथियों, शनिवार के दिन आपने सरसों का तेल अपने बालों में जरूर लगाना है। जी हाँ, शनिवार के दिन सरसों के तेल से आप अपने सर की मालिश करें या फिर सरसों का तेल अपने सिर में, अपने बालों में अवश्य लगाएं। साथियों, शनिवार के दिन सरसों का तेल सर में लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी बच्चे, जो जातक शनिवार के दिन सरसों के तेल सिर में लगाते हैं, ऐसा करने से हमेशा उनका शनि अच्छा रहता है, कभी शनि का क्रूर रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। तो शनिवार के दिन नहा धो करके आपने सरसों का तेल अपने शरीर में जरूर लगाना है। ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई सारी पीड़ाएं आपको मिलना बंद होंगी, आपका शनि ग्रह मजबूत होगा, आपको शुभ फल देना प्रारंभ करेगा और आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चने, सभी रुकावटें तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। इसके अलावा शनिवार के दिन अगर आप सरसों का तेल दान करते हैं तो यह भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज्यादा हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार लाभप्रद कहा गया है। शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ कहा गया है। अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो शनि ग्रह कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे और आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई पीड़ा मिल रही है। तो शनिवार के दिन आपने ये कार्य जरूर से जरूर करने हैं। साथियों, शनिवार के दिन अपने सर में सरसों का तेल लगाना प्रारंभ करें, आपके बनते हुए सारे कार्य अच्छे से बनेंगे और कभी भी आपका कार्य नहीं बिगड़ेगा। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए एपिसोड में और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।